वी हैव रीच्ड औरापानी। दिस इज नागेश्वर टेम्पल, शक्तिपीठ है ये, नागेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग जो है वो गुजरात में जाम गए। भाई हमारा यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए, खींचने के लिए, बेचारे मंदिर से लोगों को ही भगा दे रहे हैं। सक्षम ऋषि, चलो ऊपर चलते हैं ना। ये रास्ते से हम ऑफ रोडिंग करते हुए आए, दिख नहीं रहा होगा बट नेट नहीं आ रहा है। नेट आ रहा? बहुत परेशानी है यहाँ पे। और ये आ गया अविनाश चलते हुए। विनय भाई रुके हुए हैं आगे जाके, अलग अलग अकेले अकेले फोटो खिंचा रहे हैं। विनय भैया चलो चलो, अविनाश भाई हमारा मार्गदर्शन करते हुए, और बहुत ही उंधा चले हम। ये औरा पानी और पहाड़, ये हम ऑफ रोड साइकिल चलाते हुए। गोप्रो की हमारी बैटरी डेड हो चुकी है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हम डेड एंड की तरफ आ गए हैं। अब हमने अपनी साइकिल लगा दी है जंगल में ही, हम पैदल जा रहे हैं। छोटे से ट्रक की तरह है। हम अभी बिलासपुर से हैं, लगभग 45-50 किलोमीटर दूर। औरा पानी, पगडंडियों के बीच से होते हुए आवाज आ रही है। तेरे को ऐसा लग रहा है जैसे अंडमान आ गया बारह का। ये पीछे देखो, पीछे का देखो। हाँ इस तरह देखो, मैंग्रोव ट्रीज पूरे लगे रहते हैं ना इस तरह से। ये है औरा पानी का झरना, बाकी आपको आगे चल के दिखाते हैं। देख रहे हो, ब्यूटी देख रहे हो, कितनी प्यारी जगह है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने सारे अनएक्सप्लोर्ड जगह है जहाँ के बारे में लोगों को पता नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही पीस है यहाँ पर। साइकिलिंग पूरी हो गई, हम औरा पानी से आ गए। अब हम कार में बैठ के अपनी साइकिल लोड कर 1700 किलो लोड बनाने के लिए अब हम बिलासपुर वापस जा रहे हैं। बहुत ही एडवेंचरस जर्नी थी, एकदम मज़ा आ गया।